It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like a Gen Z. Deta asrat manfi. Tujh mein dar hai, I can sense it. Left. हूँ और जोरों शोर से ट्रैफिक चल रहा है। हम टैक्सी में है, टैक्सी और मैं टैक्सी में आया और टैक्सी में हवा बहुत आवा हाँ, इससे पहले भी मेरे ब्लॉगों में टैक्सी डाल चुकी हूँ मैं, मेरा इतने व्यूज आए थे। हाँ, और ये हमारी टैक्सी के आगे खूब सारी मोटरसाइकिल चल रही है, खूब सारी बाइक चल रही है, हमारी टैक्सी के आगे पीछे। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद घर चले जाओगे। सब लोग हंस रहे हैं, पीछे जो टैक्सी में बैठे हैं वो सब हंस रहे हैं, और जो बाइक पर गाड़ी में इधर उधर जा रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये नाजी आज कर रही है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मजा तो भाई टैक्सी की सवारी में है, जिसमें एक साथ 10 बंदे एक साथ बैठ सकते हैं। 10-10 बंदे हमारी टैक्सी में बैठ जाते हैं। ये वो वाली बेकरी जहाँ से मेरी बहन रोज बिस्किट लाती है शाम। अच्छा, ये वो वाली बेकरी जहाँ से मेरी बहन रोज बिस्किट लाती है शाम में। सेंटर का नाम क्या था? रशीद बेकर्स के बिस्किट बड़े शौक से खाती है मेरी छोटी बहन, मुझसे छोटी वाली निक्की। गजरे वाले की दुकान आई है और सशबील फातिमा फरमा रही है, मम्मा गजरे तो दिला देंगी बेटा, फातिमा की शादी में गजरे पहनेंगे सब, फातिमा की शादी में गजरे पहनेंगे। ये गजरे वालों की दुकान, मेरे ब्लॉग में सब शामिल हो रहे हैं। बच्चियां खुश हो रही हैं, सब मेरे ब्लॉग में शामिल हो रहे हैं। और टैक्सी का सफर तय करते हुए हम हॉल तक पहुंच गए। हॉल आने के बाद हमने एंट्रेंस पर दुल्हन देखी। अभी कुछ ही देर में खाना शुरू हो जाएगा। खाना अगर शुरू नहीं हुआ है, खाना अगर शुरू नहीं हुआ तो नैदा बेहोश हो जाएगी। अगर कुछ ही देर में खाना शुरू नहीं हुआ तो आपा बेहोश हो जाएगी। आपा पानी पी रही है, मैं आपा दिखा नहीं सकती आपको। चले हाथ रखे अपने अपने आगे, हाथ रखे अपने अपने आगे। चल आपा हाथ रख ले बेटा, भाभी है। ले भाई मल्लोड़ी हाथ लिया। ये हमारे खूबसूरत तरीन हाथ है, सबसे बुद्धा मेरा हाथ है। सशबील आप भी अपना हाथ रखें, मेरे खुद ज़्यादा ही खूबसूरत बेटा। खबरदार अगर मेरा व्लॉग किसी ने ख़राब किया तो बी कॉन्फिडेंस, मल्लो की बात सुने आप। वालेकुम अस्सलाम। बस हम इतने शिद्दत से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो है खाना। ये किसी से आदमी भी, अपनी सास से भी आदमी मिलाएगी ब्लॉग में सब सुन ले। ये मेरी आपा है पिंक में, ये ग्रीन में मन्नू है, ये शॉकिंग पिंक में मैं बूढ़ी अम्मा हूँ मामा के जहान की मम्मा, ये पिंक में सशबील फातिमा है, और ब्लैक में सशबील फातिमा की बुआ मल्लो बुआ, पुप्पो इनकी मल्लो बुआ, मल्लो बुआ सही है पुप्पो। फाइनली खाना आ चुका है, बीफ की बिरयानी है बहुत टेस्टी, चिकन की कढ़ाई है, खीर का साटा है और नान है। इससे पहले हम लोगों ने रोस्ट खाए, मोन्टोन खाए, रोस्ट खाए, और अब कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है मैं तो बिरयानी खा रही हूँ बीफ की है, और बच्चे चिकन और मीठे में मज़ा कर रहे हैं। खाना शुरू हो चुका है तो ज़्यादा व्लॉग मैं बना नहीं सकती क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो जनाब हमने खाना खा लिया, और जिना ने आकर मुझसे पूछा लालानी आपने व्लॉग नहीं बनाया,
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जिनाब? ये देखें कितना खूबसूरत ड्रेस पहना है जिना ने। नाइस, जिना ने इतना खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी शर्ट पहनी है, इसके नीचे गरारा है। खाना के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। और दुल्हन कैसी है? दुल्हन तो बहुत अच्छी है, दूल्हे को नहीं देखा मगर मैंने। दूल्हे को नहीं देखा आपने? नहीं। अभी थोड़ी देर में अभी दूल्हा एंट्री करेगा ना, अब आप उसके पीछे खड़ी होकर दिखाएं, आपका पूरा शरारा आएगा पीछे, उसके ऊपर खड़ी हो जाएं आप। मैं व्लॉग डाल रही हूँ, चले इसके ऊपर खड़ी जाएं, इसके ऊपर खड़ी जाएं। ये देखें ज़रा आप, जीना का ड्रेस तो चेक करें। हाँ दुल्हन तो जीना आप लग रही हैं, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नीचे आए अब आप बताएं, आपने दूल्हे को देखा है? क्यों? अच्छा जनाब, अभी दूल्हा स्टेज पर आएगा ना, तब जिना फातिमा देखेंगी। और खाना पीना हमने ख़त्म करके टेबल का ये हाल किया है, ये जितना खाना है सब नायदा ने खाया है। ये देख लें, ये जितना खाना है ये सब नायदा ने खाई है, ये सारा खाना नायदा ने खाया है। बस अब दूल्हा आएगा, फिर एंट्री होगी, फिर उसके बाद हम अपने अपने घर जाएंगे। ये लें जनाब, हम यहाँ अपने व्लॉग का एंड करते हैं उमेर के साथ। ये हैं उमेर साहब और ये हैं इनके स्मार्ट बॉय, ये हैं इनके स्मार्ट बॉय। हमारे ताया का नाम रखा इन्होंने हैदर। अच्छा हैदर से ही नहीं, उमेर हैदर हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस बस बस, अब हम थक चुके हैं। नहीं नहीं ये तो एंड नहीं है, लेकिन हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, खतरनाक सीढ़ियाँ, और हमारी फेवरेट सवारी फटफटी टैक्सी के अंदर हम बैठेंगे और उसके बाद ज़ोरों शोर से जो है अल्लाह हाफिज़ करेंगे। ये देखें जनाब, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया व्लॉग बनाने के लिए, और हमारे जिंदा दिल हैदराबाद के लोग समझ रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये मेरा शहर जिंदा दिल हैदराबाद। वसीम कहाँ है? कहाँ है जूती? ये मेरा जिंदा दिले शहराना हैदराबाद, हैदराबाद की सवारी, हैदराबाद की सवारी। डक 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 डक। अंकल खुश होंगे भी नहीं। मुस्कुराइए, आप तो दुनिया के अजीम जानवर हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, मुस्कुराएं। अब वो कर रहा है वो आंख के मार मार के। खुश हो रहा, खुश हो रहा। मजे के व्लॉग बनते हैं, बच्चे खुश। जनाब मैं इस व्लॉग का यही एंड करूंगी, व्लॉग आपको पसंद आया हो, यकीनन व्लॉग आपको पसंद आएगा। आज मैंने अपने शहर हैदराबाद, जिंदा दिल हैदराबाद में व्लॉग बनाया है, व्लॉग तो आपको जरूर पसंद आएगा। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें।